हम नहीं बोलने की बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। रुके भैया आपके यहाँ पर। अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों के भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर। हम नहीं शशि प्रताप से बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का सदस्य। शशि भैया आज किस प्रकार की मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशान है और सरकार का ध्यान ट्रांसपोर्टरों पर नहीं है। इनके पास 30 लाख 40 लाख 50 लाख की बसें हैं और जो फरवरी के महीने से खड़ी उसके लिए हम लोगों ने कई बार परिवहन आयोग और यहाँ आरटीओ साहब से 18 तारीख को, 22 तारीख को, 25 तारीख को, फिर 28 तारीख को आकर अपनी मांगों को रखा। उन्होंने बार बार आश्वासन दिया कि हो जाएगा। हम लोग की मांग है कि हम लोग की बसें जब तक ना चलें, रोड पर ना आए तब तक हम लोग से टैक्स ना लिया जाए। इसी मांग को लेकर आज हम लोग बनारस परिवहन विभाग के कार्यालय के पास धरना पर बैठे हैं और आज उत्तर प्रदेश के 63 जिलों में टूरिस्ट और नॉन टूरिस्ट बस के मालिक जो हैं वो आज बैठे हुए हैं। उसी में हम लोग भी आज यहाँ बैठे हुए हैं। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। रुके भैया आपके यहाँ पर। अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों के भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर। हम नहीं